नेक्स्ट टॉपिक वी आर स्टार्टिंग इशू ऑफ डिबेंचर्स बाई कंपनी कंपनी अगर इसमें होते हैं तो देखते हैं बाकी जो डिबेंचर जैसे आपने देखा है कोई भी पर्सन है पर्सन टेक्स लोन फ्रॉम अ बैंक तो कोई भी पर्सन है वो बैंक से लोन लेके है तो इट मीन्स जो लोन है आपका एक ही लाइबिलिटी होती है लोन एक लाइबिलिटी फॉर बोरोअर जो पर्सन मनी बोरो कर रहा है तो कंपनी के केस में लोन अवेल करने के लिए एक हमारे पास फैसिलिटी है कि जैसे हम कैपिटल के लिए शेयर इशू करते हैं ऐसे लोन को अरेंज करने के लिए कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है। उसमें डिबेंचर क्या है डिबेंचर इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज्ड जो हम विच इज यूज्ड बाय कंपनी कंपनी इसको यूज करती है टू रेज लोन फंड्स फ्रॉम ओपन मार्केट। तो नॉर्मली तो हम लोन लेते हैं बैंक के थ्रू या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन FI जिसे कहते हैं बट कंपनी जो है कंपनी कैन टेक लोन फ्रॉम ओपन मार्केट आल्सो ओपन मार्केट मीन जो पब्लिक है उसमें जो डिबेंचर्स होते हैं वो भी हम शेयर की करें इशू करते हैं डिबेंचर्स दीज आर इशूड टू पब्लिक तो एक तरीके से कंपनी पब्लिक को इशू करती है टू रेज लोन लोन को अवेल करने के लिए सिमिलर टू शेयर्स जैसे हम शेयर्स को इशू करते हैं बाकी डिफरेंस क्या क्या है डिबेंचर्स के जो स्पेशल फीचर्स हैं आपके क्योंकि ये लोन है आपका बाकी कंपनी हैज टू पे फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑन दिस डिबेंचर तो कंपनी हैज टू पे फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ डिबेंचर बस आई थिंक ये लाइबिलिटी है तो इसको कंपनी को रीपे करना पड़ता है जैसे शेयर्स के केस में वो क्या है कि वो कैपिटल परमानेंट होता है उसको हमने वापस नहीं करना है तो इसमें अमाउंट ऑफ डिबेंचर जो भी कंपनी ने डिबेंचर का अमाउंट को कलेक्ट किया है इज टू बी रीपेड तो ये जरूरी है कि कंपनी ने इसको रीपे करना है इसको भी रीपेड बाय कंपनी अब वो डिबेंचर क्या है कंपनी कितने टाइम का लोन ले रही है मे बी 5 साल के लिए हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं 10 ईयर्स हैं 20 ईयर्स हैं एक्सेट्रा तो नॉर्मल जो लाइफ होती है डिबेंचर की 5 से 20 ईयर्स होती है इसको हम कहते हैं जब कंपनी रीपे करती है किसी काल को टू रिडीम कंपनी ने डिबेंचर के अमाउंट को रिडीम करना है टू रिडीम मीन्स टू रीपे उसमें इसमें हम डिस्कस करेंगे अब जो इशू होते हैं नॉर्मली और एक और रूल आता है जनरली जब हम डिबेंचर इशू करते हैं उसकी जो फुल अमाउंट है वो हमें उसी के हम रिसीव हो जाती है जनरली क्या होता है आपका फुल अमाउंट ऑफ डिबेंचर डिबेंचर को आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं डिबेंचर इज रिसीव्ड अलोंग विद एप्लीकेशन जैसे शेयर से जैसे एप्लीकेशन मनी मिलती है पहले फिर अलॉटमेंट होती है फिर इसकी कॉल मनी है ऐसे डिबेंचर में भी आपकी एप्लीकेशन होगी अलॉटमेंट हो सकती है कॉल मनी बट नॉर्मली हमने देखा है कि फुल अमाउंट हम रिसीव कर लेते हैं एप्लीकेशन के साथ तो इट मीन्स इसमें फिर कोई अलॉटमेंट नहीं है कोई हमारी कॉल मनी नहीं है पर क्या जो डिबेंचर से इशू होंगे इशू मे बी एट पार ये पार के ऊपर भी हो सकते हैं तो एट प्रीमियम के ऊपर भी हो सकते हैं और एट डिस्काउंट जैसे शेयर से केस में होते हैं अब इसमें आता है कि जब आपने इनको पैसा वापस करना है रिडीम करना है रीपे करना है जब उसकी लाइफ ओवर हो जाएगी तो रिडेम्पशन भी हम कर सकते हैं पार प्रीमियम और एट डिस्काउंट सिमिलरली
बैंकर्स मे बी रिडीम्ड, हम उनको रिडीम कर सकते हैं। रिडीम का मतलब है रीपेड, एट पार के ऊपर हो सकती है, एट प्रीमियम और डिस्काउंट। तो इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि जब लोगों जब हम डिबेंचर कंपनी इशू कर रही है पार के ऊपर, प्रीमियम के ऊपर, डिस्काउंट को, प्रीमियम जो है कंपनी को रिसीव होता है, इट इज रिसीव। तो उसको हम एक नए अकाउंट में रखे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम में। डिस्काउंट जो है ये कंपनी का लॉस होता है, तो उसको हम डिस्काउंट के अकाउंट में डेबिट करते हैं। बट रिडेम्पशन के टाइम रिवर्स हो जाता है, जब कंपनी ने पैसा वापस करना है, रिडीम करना है एट प्रीमियम के ऊपर, तो किसी का जो लॉस ऑन रिडेम्पशन, क्योंकि कंपनी ज्यादा मनी पे कर रही है डिबेंचर होल्डर को, तो किसी का जो लॉस ऑन रिडेम्पशन। और बहुत ही रेयर केस होता है कि कंपनी रिडीम करके है डिस्काउंट पर, डिस्काउंट इसका मतलब है लो प्राइस हम उनको पे कर रहे हैं, तो जिसे जो प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन। बस नॉर्मली कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो वो जो ये कहे कि मुझे कम पैसे को आप रिडेम्पशन के टाइम, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो प्रॉफिट हो सकता है लेकिन डिस्काउंट पे रिडीम होते हैं, बट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो इट मीन्स अब एक कॉन्सेप्ट आता है, अब कंपनी ने डिबेंचर इशू करनी है और कंपनी को पता है कि वो हमने रिडीम भी करने हैं फ्यूचर में 5-10 साल के बाद, और ये जब हम प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो वो लॉस हो जाएगा। तो एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, आपने किया होगा ना प्लस वन में करके, कि हम अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं। एक पहला कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यदि आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई लॉस होगा, उसका प्रोविजन आपने आज ही बुक्स में प्रोवाइड कर देना है। इट मीन्स तो ऑल फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉसेज टू बी प्रोवाइडेड, वो आपने प्रोवाइड करने हैं इन बुक्स में एट प्रेजेंट, आज की डेट में। प्रेजेंट का मतलब है जब आपको पता लगता है कि फ्यूचर में कोई आपका एक्सपेक्टेड लॉस हो सकता है, बट यदि आपको गेन होना है, जैसे डिबेंचर को आप रिडीम करोगे डिस्काउंट पे, वो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हम अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, उसका नाम है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। तो एक कॉन्सेप्ट होता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, इट मीन्स ऑल एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट्स और गेन्स, फ्यूचर में कोई भी आपको प्रॉफिट होना है या गेन होना है, नोट टू बी प्रोवाइडेड इन बुक्स, नोट टू बी प्रोवाइडेड इन बुक्स एट प्रेजेंट। इस मतलब उनको आपने आज की डेट में रिकॉग्नाइज नहीं करना है। तो मेन पॉइंट यही आता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमारा अप्लाई हो गया है, लॉस को हमने आज ही बुक्स में प्रोवाइड कर देना है। डिबेंचर में देखे हैं, एक तो मेन केस है कि फुल अमाउंट रिसीव हो रहा है एप्लीकेशन के साथ, इशू भी कर रहे हैं और साथ में रिडेम्पशन भी हमने करनी है। रिडेम्पशन हमारे प्रीमियम पर हो सकती है, जिस केस में लॉस होगा। तो देखते हैं साइड बाई साइड किस तरीके से एंट्री चलती है इसमें, इशू और रिडेम्पशन भी। तो मीन्स ये हमारा टॉपिक है कि इशू कैसे करना है डिबेंचर को और साथ ही रिडीम कैसे करेंगे हम। तो हम केस देखते हैं इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। देखो पहला केस है, केस नंबर वन, डिबेंचर इशू किया आपने, डिबेंचर से इशू डेट ऑफ पार, पार के ऊपर आपने रिडीम कर दिए है, पर हम इसको रिडीम भी करेंगे पार के ऊपर, रिडीमेबल एट पार। इट मीन्स नॉर्मली डिबेंचर 100 रुपये का होता है, लेकिन 100 हम इशू कर रहे हैं 100 के ऊपर, और 100 में ही रिडीम कर देंगे, तो इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है। इशू की एंट्री क्या होगी,
बैंक अकाउंट डेबिटेड। जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो उस मनी को ट्रांसफर कर दो टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, वो आपकी एप्लीकेशन मनी आ गई हमें रिसीव हो जाएगी। फिर जब हम डिबेंचर को अलॉट करेंगे एंट्री बन जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। डिबेंचर जो है एक तरीके का लोन है कंपनी के लिए, लाइबिलिटी है, उसको क्रेडिट कर दो आप। अब जितना डिबेंचर के ऊपर आपने इंटरेस्ट पे करना है वो भी हम शो करके हैं 2% टू डिबेंचर अकाउंट। शेयर में लगा के शेयर कैपिटल, डिबेंचर में कैपिटल यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये सिर्फ लोन है आपका। ठीक है, जैसे अब आपने 100 का डिबेंचर इशू किया तो साथ साथ मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, वो 100 की एप्लीकेशन मनी आ गई, 100 का आपने डिबेंचर की लाइबिलिटी उसने क्रिएट कर दी अपने। जब रिडीम हो गए रिडेम्पशन के टाइम क्या होगी, तो ये एंट्री करेंगे हम, जैसे 5 साल की लाइफ है 5 साल के बाद तो सिंपल एंट्री हो जाएगी, % की डिबेंचर लाइबिलिटी को कैंसिल कर दो, % की डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक और उनको पेमेंट कर दो। वो 100 रुपीज की आपने पेमेंट कर देनी है, तो उसमें कोई लॉस नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है। ओके, इसे सेकंड केस है आपका, इशू किया आपने पार के ऊपर, इशू है तो पार रिडीमेबल है आपका डिस्काउंट के ऊपर। तो कोई इशू की कोई सेम एंट्रीज होगी आपकी, दोनों एंट्रीज राइट, एप्लीकेशन मनी आएगी और वो आपने लाइब्रेरी में ट्रांसफर कर दी। जब रिडीम करोगे डिस्काउंट पर, रेयर केस है ये आपको दिया है, तो आपने एंट्री क्या करनी है, सपोर्ट करो डिस्काउंट क्या क्या रहेगा 5% एंट्री बन जाएगी, % की बैंकर अकाउंट जाती थी। जैसे 100 का बैंकर है टू बैंक, उसको पेमेंट कर दो 95 की, 5 रुपये का कंपनी को प्रॉफिट हो जाएगा, तो उसका नाम है टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन। अकाउंट गेट यू 5 रुपीज। अगर रेयर केस होता है कि जिस रिडीम किस तौर पर होंगे, कल केस है इशू किया पार के ऊपर, रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम के ऊपर, जिसका केस 2। नाउ इसकी जो केस नंबर 3, इशू गेट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम। प्रीमियम है सपोर्ट 10%। देखो इशू की एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन सेम 100 रुपीज, बट अब जब आप डिबेंचर की लाइबिलिटी क्रिएट करोगे, अब आपको पता है कि हमें ना फ्यूचर में प्रीमियम भी पे करना है, रिडेम्पशन के टाइम जो हमारा लॉस होगा फ्यूचर में उसको भी आपने बुक्स में आज ही प्रोवाइड करना है बुक्स में, क्योंकि हमारा ये रिक्वायरमेंट है। तो सेकेंड एंट्री आपकी थोड़ी सी चेंज होगी उसमें। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि जो फ्यूचर में आपने प्रीमियम देना है, जो लॉस है कंपनी के लिए, वो हमने बुक्स में आज ही राइट ऑफ करना है, डेबिट करना है, प्रोवाइड करना है, उसका नाम है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड। कितना लॉस होगा 10% टू डिबेंचर अकाउंट। डेबिटेड 100 और तो लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है कि जो प्रीमियम पे करना है उसका नाम है डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट। तो रिडेम्पशन का प्रीमियम जो आपने पे करना है डेबिट कैनल की, उस लॉस को भी आप आज की डेट में डेबिट कर दीजिए एज ए लॉस, और ये लाइबिलिटी क्रिएट होगी जो फ्यूचर में पे करनी है। तो जब हम रिडीम करेंगे फिर एंट्री बन जाएगी डिबेंचर की लाइबिलिटी कैंसिल कर दो, रिडेम्पशन का प्रीमियम भी पे कर दो, एंट्री बन जाएगी % की डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड एंड डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड। या आप लिख सकते हैं टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, कुछ भी ले सकते हैं, और डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम टू बैंक अकाउंट। अब इसकी पेमेंट कर दो,
लाइबिलिटी है हमारी बुक्स में 100 और पेन की, उसकी पेमेंट हो जाएगी 100 की। तो जो लॉस होना था फ्यूचर में वो हमने आज ही अपने बुक्स में डेबिट कर दिया, प्रोवाइड कर दिया। ये हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट रहता है। तो अब देखते हैं, ये हमने 3 केस किए जब इशू हो रहे हैं पार के ऊपर, रिडीम हो रहे हैं पार, डिस्काउंट और प्रीमियम। अब अच्छा, इशू एट प्रीमियम रिडीमेबल के तीनों केस बनेंगे। दिस वन इज केस नंबर 4। किसी जो इशू है तो प्रीमियम रिडीमेबल एट पार, इसमें देखो प्रीमियम मिलेगा, रिसीव होगा, हमें इनकम है, रिडेम्पशन पार पे करनी है, तो कोई लॉस नहीं है फ्यूचर में। तो नॉर्मल एंट्री है, तो फर्स्ट एंट्री होगी बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, सोच लो 100 का डिबेंचर आपने इशू किया है, 10 रुपये प्रीमियम, तो 110 रुपये आपको रिसीव होंगे। जब डिबेंचर को लोड करेंगे एंट्री बन जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन 2% की डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। डिबेंचर का प्रीमियम जो आपको मिलेगा वो भी सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर हो जाएगा, 110 और 100। ये नॉर्मल एंट्री, रिडेम्पशन होगी पार के ऊपर, 1% की डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। नेगेटिव 100, ठीक है। और देखिए आप करके हैं इसको, रिडीम इशू हो रहे हैं प्रीमियम के ऊपर, ठीक है, सेम रिडीम हो रहे हैं डिस्काउंट के ऊपर। ये फ्यूचर में प्रॉफिट होगा वो आपने आज की डेट में कोई एंट्री नहीं डालनी, बस रिडेम्पशन का एंट्री डाल देंगे, 1% की डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, ऐसे 100 का डिबेंचर, बैंक में पेमेंट आपने की है 95 की, तो हमने 5 रुपये डिस्काउंट पर रिडीम कर लिए, तो ये कंपनी का प्रॉफिट हो जाएगा, टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 5 रुपीज। तो इशू की एंट्री सेम है इस केस में, रिडेम्पशन क्या है पार पे है या डिस्काउंट पे, पर थोड़ा सा डिफरेंट रखे हैं। नेक्स्ट केस बना रहे हैं नंबर 5, इशू एट प्रीमियम, एंड इसको बना देते हैं चलो केस नंबर 5। राइट, ये सेम है आपको, इशू एट प्रीमियम रिडेम्पशन है कि डिस्काउंट। अब है इशू एट प्रीमियम रिडीमेबल आल्सो एट प्रीमियम, केस नंबर C6, रिडीमेबल एट प्रीमियम। देखो जो प्रीमियम रिसीव होगा वो कोई इनकम है, वो कोई सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा, और जो प्रीमियम गेन है रिडेम्पशन का वो हमारा लॉस है फ्यूचर का, तो वो भी हमें आज की डेट में प्रोवाइड करना है। हो सकता है दोनों प्रीमियम सेम हो, तो हो सकता है डिफरेंस दे सकते हैं। क्राइटेरिया क्या बनेगी, देखो पहले बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ये एंट्री सही है आपको, चलो आपने 110 के ऊपर इशू किए और 10% की प्रीमियम आपने गेना है रिडेम्पशन का, तो एंट्री बन जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिटेड टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। वो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, मीन्स एप्लीकेशन के आए 110, उसमें से 100 चले गए डिबेंचर में, 10 का प्रीमियम आ गया, लॉस हो गया जो प्रीमियम गया है रिडेम्पशन का, सोच लेगी ये भी 10 रुपये है, तो 10 का आपका लॉस भी है।
और देखिए ये 5 रुपये है और सपोज चलो ये 5 रुपीज है, तो 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5 आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देखें कि डिबेंचर एप्लीकेशन जगह हम ले देखें बैंक अकाउंट एप्लीकेशन शो नहीं करके कंबाइन ले लीजिए। अब अच्छा रिडेम्पशन हो रही है प्रीमियम के ऊपर, ये फिर नॉर्मल एंट्री। अब लाइब्रेरी है डिबेंचर की और प्रीमियम और रिडेम्पशन, इसको पे कर दो। परसेंट की डिबेंचर अकाउंट डेबिट के 100 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट के 10 टू बैंक। तो इस तरीके से डिबेंचर आपके रिडीम हो जाएंगे प्रीमियम के ऊपर 100 के। फिर एक लास्ट के साथ है इशू है कि डिस्काउंट रिडीम हो रहे हैं आपके पार के ऊपर, डिस्काउंट के ऊपर या प्रीमियम के ऊपर। इशू है कि डिस्काउंट रिडीमेबल है एट पार, फिर एक बना देंगे हम रिडीमेबल एट डिस्काउंट ठीक है। अब देखो कंबाइन एंट्री कर रहा हूँ मैं, जिसकी केस नंबर 7 डिवेंचर इशू की है, आपने एंट्री कर देनी है बैंक अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अकाउंट। इस तरीके से डिबेंचर इशू हो गए आपको, 100 का डिबेंचर 90 आपको मिल गए, 10 का डिस्काउंट हो गया। रिडेम्पशन पार पे है तो नॉर्मल एंट्री, परसेंट की डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, तो आप 100 रुपीज पे रिडीम कर लीजिए। डिस्काउंट पर है तो एंट्री है आपकी डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, खूब प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन। जैसे 100 में से 90 पे किया आपने या 95, 5 का डिस्काउंट हो गया, ये प्रॉफिट आ जाएगा ऑन रिडेम्पशन। तो एक तरीके से ये बन गया केस नंबर 8। अब आपका लास्ट केस, इशू किया आपने डिस्काउंट पर बाकी रिडीम हो रहे हैं आपके प्रीमियम के ऊपर, इसमें हमें कोई लॉस नहीं था इशू के टाइम, क्योंकि ना ही पार में हमने कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है ना डिस्काउंट में। या फिर 9th केस, और इसमें देखो जब इशू हो रहे हैं डिस्काउंट से ये भी लॉस है कंपनी को, और जो प्रीमियम देना है रिडेम्पशन का वो भी लॉस होगा फ्यूचर में, उसको भी हमने आज ही प्रोवाइड करना है बुक्स में, जिसका कि डबल लॉस है हमारा। तो जो इसका मतलब है जो हम केस बना रहे हैं 9th, बट ये टोटल लॉस कितना हो रहा है हमें ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, जैसे कि डिस्काउंट जो हम इशू कर रहे हैं डिस्काउंट एंड इशू प्लस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो इसको हम एक ही अकाउंट में डेबिट कर रहे थे, उसका नाम रखते हैं लॉस ऑन इशू की बैंक अकाउंट। तो देखो इशू की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ द बैंकर अकाउंट डेबिट टू द बैंकर अकाउंट, या आप कर दो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर बाद में एप्लीकेशन ट्रांसफर हो जाएगी डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। देखो 100 का डिबेंचर इशू किया आपने, 90 मिले हमें, 10 का प्रीमियम भी गेना है, डबल लॉस हो गया। 10 रुपये डिस्काउंट थे और 10 रुपये जो प्रीमियम गेना है रिडेम्पशन का, 20 हमारा लॉस आ गया। ये डिफरेंस है, जब रिडीम करोगे प्रीमियम के ऊपर उसकी सिंपल एंट्री है परसेंट की डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडेम्पशन
ये लाइब्रेरी बनाई रखी है हमने बुक्स में, इन दोनों को लाइब्रेरी कहते हैं, वो आप रीपे कर दीजिए। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट यानी कि टू बैंक, इस तरीके से आपकी लाइब्रेरी पे हो जाएगी। 110 110 ये ने डिस्कस किया इशू ऑफ डिबेंचर कैश में जब हम इशू कर रहे हैं और रिडीम भी हो रहे हैं, उनकी किस तरीके से एंट्रीज होगी। कुछ और स्पेशल केसेस भी आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं केस नंबर 10। ये सेपरेट हेडिंग बना लेते हैं, देखिए क्या जो देखिए सर केस नंबर 10, किसी के इशू ऑफ डिबेंचर से इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कॉन्सिग्रेशन अगर यानी कैश, जैसे हमने शेयर्स में भी किया था, अगर हम सिंगल एसेट पर केस करके हैं या पूरा बिजनेस एक्वायर करके हैं किसी दूसरी फर्म का और उसको पेमेंट करने के लिए शेयर इशू कर रखे हैं, तो यहाँ पे हम डिबेंचर इशू कर देंगे। तो आपको निकालना है बाकी नेक्स्ट कॉन्सिग्रेशन पेबल, वो आपको दिया होता है क्वेश्चन में, जैसे नेक्स्ट कॉन्सिग्रेशन पेबल फॉर एक्विजिशन, तो आपने एक्विजिशन किया है एसेट की या बिजनेस की, गैट विल बी गिवन टू अस। फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितने डिबेंचर्स इशू करने हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर्स भी इशू, गैट विल बी इक्वल टू नेट कॉन्फिगरेशन जो आपको पे करना है, डिवाइड कर लीजिए इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर, इशू प्राइस क्या है डिबेंचर का, इसमें भी एक पार, देखिए प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं तो प्लस कर दो प्रीमियम, डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं डिस्काउंट को कर दो माइनस, उसके नंबर आ जाएंगे, उसके बेस पे फिर आप एंट्री कर सकते हैं। एंट्री देखो क्या होगी, आपने एसेट्स एक्वायर की, संग्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, टू संग्री लाइबिलिटीज अकाउंट, जो डिफरेंस है जितना कॉन्फिगरेशन है वो ट्रांसफर कर दो टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ये आपने उनको पे करना है डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ओके इधर ओके है, अब जो नेट एसेट्स हैं संग्री एसेट माइनस लाइबिलिटी, और जो कॉन्फिगरेशन वो ज्यादा है वो डेबिट हो जाएगा गुडविल में, गुडविल अकाउंट डेबिट। राइट और देखिए आपका कॉन्सिग्रेशन का अमाउंट कम है तो वो चला जाता है कैपिटल गियर में, कैपिटल गियर में। राइट गुडविल क्या होती है, देखो इसमें गुडविल आपकी नेट कॉन्सिग्रेशन पेबल और माइनस है को नेट एसेट्स जो आपने एक्वायर की है, नेट एसेट्स हैं सिंगल एसेट्स माइनस सिंगल लाइबिलिटीज। देखिए डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है तो वो गुडविल मानी जाएगी, नेगेटिव है तो कैपिटल गियर बन जाएगी। अब डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर इशू करके जो आपने नंबर निकाले हैं डिबेंचर की इशू की एंट्री बन जाएगी, अब डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड, देखिए डिस्काउंट पर इशू हो रहे हैं तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट, प्रीमियम पर हो रहे हैं को सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। फिर एक लास्ट केस आता है इशू ऑफ डिबेंचर एज ओ कोलेटरल सिक्योरिटी,
इशू ऑफ डिबेंचर्स एज यू कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल का मतलब क्या है, कंपनी ने जैसे लोन लिया है तो लोन के लिए एक हम सिक्योरिटी के लिए डिबेंचर इशू करते हैं। लोन टेकन बाय कंपनी डिबेंचर से इशूड एज ए सिक्योरिटी और सिक्योरिटी उसका पर्पज क्या है, देखिए कंपनी लोन को वापस नहीं करती है टाइम पे, तो जो बैंक है जिससे आप लोन ले रहे हैं वो आपके डिबेंचर को मार्केट में सेल करके अपनी मनी रिकवर कर सकते हैं। उस केस में देखो आपने कैसे शो करना है डिबेंचर के एंट्री को, इसके दो ऑप्शन मिलते हैं आपके पास। दो ऑप्शन ये हैं कि इश्यू डिबेंचर को हम शो नहीं करेंगे, ऑप्शन वन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स नोट रिकॉग्नाइज, इसको सिर्फ बैलेंस शीट में लोन के साथ शो करके हैं। देखो थैंक यू होगी लोन टेकन बाय कंपनी, उसकी एंट्री करके हुई कंपनी बैंक अकाउंट जाती थी वो लोन अकाउंट, जैसे बैंक का लोन है आप, और इसमें नरेशन में लिख दो अच्छा इशू डिबेंचर्स और रुपीज गिस एज कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए हमने इशू कर दिए हैं। उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं कंपनी की, उसमें हम शो कर रखे हैं लोन के साथ बैलेंस शीट में। तो आप डालोगे लाइब्रेरी की साइड में सिक्योर्ड लोन में, आपने जानना है बैंक लोन, यहाँ लिखेंगे कोलैटरल सिक्योर्ड बाई डिबेंचर्स ऑफ रुपीज दिस मच, तो बैंक का लोन हम यहाँ शो कर दीजिए। तो सेकेंड है ऑप्शन क्या, आप डिबेंचर के भी एंट्री डाल दीजिए सेकेंड ऑप्शन लोन टेकन, एंट्री बन गई आपकी बैंक को लोन अकाउंट। अब डिबेंचर इशू कर दीजिए, तो ये हमने सिर्फ सिक्योरिटी के लिए किए हैं, इसमें कोई कैश नहीं मिलेगा कंपनी को। तो हम एक सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे, उसका नाम है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, डेडिकेटेड टू डिबेंचर अकाउंट। अब डिबेंचर का अमाउंट लोन से बराबर भी सकता है ज़्यादा भी सकता है, सोच लो आपने 100 लाख का लोन लिया है और डिबेंचर इशू किया 120। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे आप, वो कंपनी की बैलेंस शीट में आप शो कर रहे हैं लाइब्रेरी की साइड में, जैसे यहाँ पे हेडिंग आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज, उसमें लिखेंगे हम बैंक लोन और हम लिखेंगे कोलैटरली सिक्योर्ड बाय डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 120। लोन है आपका 100 का, ये रुपीज आ गया आपके लैक्स में, अगर एसेट्स में शो कर देंगे हम, एसेट्स में आपने शो करना है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट और एक बैंक में कैश आ जाएगा आपका। तो इट मीन्स एक आपने डिबेंचर सस्पेंस शो करना है नॉन करंट एसेट्स, और अगर एक लाइबिलिटी शो करके डिबेंचर अकाउंट 120 से,
नॉन करंट एसेट में आप शो करेंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, किसी को वन कौन भी, और लिख देंगे हम किसी को कोलेक्टरली, कोलेक्टरल और बैंक लोन, ये हमने इशू किए हैं कोलेक्टरल पर्पस के लिए, बैंक लोन के लिए। और करंट एसेट में आ जाएगा आपका कैश एट बैंक, जैसे जो कैश है तो बैंक, जैसे आसो तो इस तरीके से आपकी डबल एंट्री आएगी, एक तो बैंक लोन आएगा ये को, एक डिबेंचर्स आएंगे, राइट। इधर भी डिबेंचर सस्पेंस आएगा एसेट में, और एक तो कैश का बैलेंस बैंक में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अब इसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, इश्यू ऑफ डिबेंचर जो हमने डिस्कस किए।